अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आज़रा का जायका। आज हम आपको सिखाने वाले हैं सांभर बनाना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। और दिखाते हैं इसके सामान। हमने ये रहर का दाल ले रखा है, ये हमारा इसी कप से हमने एक कप दाल लिया है और 5 कप पानी डालेंगे इसी कप से। और ये हमने मोटे मोटे टमाटर प्याज काट रखे, इसको भी दाल में डालेंगे। और ये हमारी लौकी है, और लौकी को पता नहीं और क्या बोलते हैं, मैं लौकी बोल रही हूँ, तो ये लौकी है, इसको भी हम मोटे मोटे काट लिए, इसको हम दाल में डालेंगे। और डालेंगे हल्दी पाउडर दाल के अंदर, फिर इसको हम उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम कुकर में ऐड करना। तो हमने कुकर में 5 कप पानी ले रखा है, इसमें हम दाल को ऐड करते हैं और हल्दी पाउडर ऐड करते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के। और डालते हैं ये प्याज और मोटे मोटे कटे टमाटर, और डालेंगे ये लौकी। इसको लगाते हैं हम 2 सीटी, उसके बाद हम इसको जब ये उबल जाएगा तब हम इसमें मसाला बनाएंगे। और नमक भी डालते हैं इसमें 1 चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार डालिया। और इसको लगाते हैं 2 सीटी। जब तक हमारा दाल 2 सीटी लगता है तब तक हम उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने ले रखा है कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और राई है ये हमारा, और हम थोड़े प्याज भी लाल करेंगे, हरी धनिया है और हरी मिर्ची है कटी हुई। और ये हमने टमाटर को कद्दूकस करके रखा है, 1 बड़ा टमाटर है। अदरक लहसुन पेस्ट है, और ये इमली का पल्प है, और ये सांभर मसाला, नमक है। नमक अगर हम टेस्ट करेंगे कम लगेगा तो हम फिर से डालेंगे। तो चलिए इसको तैयार करते हैं, इसका मसाला। हमने 1 चम्मच तेल डाल रखा है, इसमें 25 ml तेल है हमारा। अब इसमें थोड़ा हम अदरक लहसुन डालेंगे, कतरा हुआ ये है, ये थोड़ा चटक जाए। इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ते, राई, कटी हुई हरी मिर्ची, इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, इसको तल लेंगे थोड़ी देर। प्याज करते ही ये शांत हो गए हैं एकदम, कटाना तो हम थोड़ा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं प्याज को। इसमें डालते हैं लाल मिर्ची। हरी मिर्ची हमने कतरी हुई 1/2 चम्मच डाल रखी है इसमें। प्याज हमारा गोल्डन हो गया, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे और इसको भून लेंगे थोड़ी देर। इसमें ऐड करेंगे टमाटर कद्दूकस किया हुआ, एक इसको भी हम भून लेते हैं तो इसका पानी निकल जाए। भूनते हैं थोड़ा, इसमें हम हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और इसको भी भून लेते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा चटपटा सा सांभर तैयार होगा, मसालेदार, बहुत ही टेस्टी लगेगा। हमारा देखिए दाल 2 सीटी लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम इमली का पल्प ऐड करेंगे 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इधर देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो गया है कढ़ाई में, बिल्कुल भून के तैयार है। इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला भी ऐड कर देंगे। हमारा मसाला बिल्कुल भून के हमने रेडी करके रख लिया था, अब इसको हम इसमें पलट देंगे। बिस्मिल्लाह, ये हमारे सांभर में एक अच्छी सी उबाल आ रही है। अब इसको हम बस उबल जाने देते हैं, बस हमारा रेडी हो गया। अब इस पे से हम थोड़ा धनिया डाल देते हैं। हमारा सांभर बिल्कुल तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से सांभर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनेगा। फ्रेंड्स देखिए हमारा सांभर बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज बना हुआ है, बिल्कुल अच्छी सी खटास भी इसके अंदर है और स्पाइसनेस भी है। तो आप इसी तरीके से बनाएं सांभर जैसे मैंने बताया है, और आपको नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट में बताएं और आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, हमने इतने अच्छे से बताया है। और कमेंट में आप ज़रूर बताएँ कि कैसा आपने बनाया, कैसा टेस्ट था इसका।
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।